नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपकी पढ़ाई तो अब आपके घर तक पहुँच रही है और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक बनाकर बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट है कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट नंबर 21। आज हम लोग पाठ 5, जब जनता बगावत करती है तो जनता की नज़र से, इस पाठ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज जानने वाले हैं कि जनता की नज़र से उस समय जनता जब बगावत कर रही थी तो क्या क्या व्याख्यान किए गए हैं, और लोगों में किस तरह की बातें हो रही थी, इसकी तैयारी कैसी हुई, इसका परिणाम क्या हुआ, और इस चीज़ को हम लोग संस्मरण के रूप में जानेंगे। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण मतलब याददाश्त। उस समय के लोग, जो इतिहास लिखा जाता है और इतिहास में जो संस्मरण विधा होती है, यह बिल्कुल सटीक, अच्छी और सच्ची होती है, क्योंकि संस्मरण वही लोग लिखते हैं जिन्होंने कि उस घटना को देखा है, उस चीज़ को जिया है, और उस समय के वातावरण में वो रहे हैं। उस समय में जो भी घटना घटित हुई है उसको उन्होंने भोगा है, अनुभव किया, महसूस किया है, वो लोग लिखते हैं, तो उसमें सच्चाई होती है। तो आज हम लोग उस जमाने में लोग अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसके बारे में जानने के लिए स्रोत 1 और 2 को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन लोगों ने अंग्रेजों के बारे में क्या सोचा और अंग्रेज उस समय क्या करते थे, कैसे रहते थे। सबसे पहला स्रोत है 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए। माझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखा गया है और यह इनका संस्मरण है, मतलब याददाश्त है। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। ये महाराष्ट्र से मथुरा जा रहे थे किसी यज्ञ में भाग लेने के लिए। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था, अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान किया है। तो उस समय की घटना का वर्णन यहाँ हो रहा है कि किस तरह सिपाही लोगों को सचेत करते थे कि आज के 3 दिन बाद कोहराम मचेगा, बहुत बड़ा विद्रोह होगा। और क्यों होगा? क्योंकि अंग्रेजों ने लोगों का धर्म नष्ट करने का निर्णय ले लिया है, नष्ट करना चाहा है, उस पर आमदा हो गया है, और इसके लिए उसने 84 नियमों की सूची बनाई है। और उस नियमों को कलकत्ता में राजाओं और राजकुमारों के बीच पढ़ा गया, जिसमें कि सबने इनकार किया। उन्होंने, मतलब सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजा ने भी तनकर कहा है कि अगर इस तरह का नियम लागू होता है तो आपको भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, मतलब कि स्थिति अच्छी नहीं होने वाली थी। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं, धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी, और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। धर्मयुद्ध मतलब कि हिंदू भी अपना धर्म बचाने की कोशिश में थे और मुसलमान भी अपना धर्म बचाने की कोशिश में थे, तो इस तरह से धर्मयुद्ध की तैयारी हो रही थी। मतलब सिपाही विद्रोह का खाका तैयार हो रहा था, 1857 के विद्रोह का खाका तैयार हो रहा था। अब स्रोत 2 है कि जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। ये कैसे छा गई, इसको हम लोग कहते हैं हर टुकड़ी, मतलब सेना की टुकड़ी में। सेना का जो छोटा छोटा कंपनी होता है, 100-100 सेनों की जो कंपनी होती है, 100-100 सिपाहियों की, उसको टुकड़ी बोलते हैं। तो उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है, जो बंगाल नेटिव में 1812 ईस्वी में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे और 1860 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार है, मतलब कि यह जो सीताराम पांडे हैं, यह अंग्रेजों के साथ जो भारतीय विद्रोह था 1857 का विद्रोह, उसको दबाने में अंग्रेजों का साथ दिए थे, लेकिन उनका बेटा अंग्रेजों के खिलाफ था जो पकड़ा जाता है
और उसको सीताराम पांडे के सामने ही मार डाला गया था। तो इस तरह से उनका संस्मरण है, काफी दुखद घटना है ये, और उस चीज को बताते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। आप अवध की कहानी जानते होंगे कि अंग्रेजों ने कुव्यवस्था और कुशासन का आरोप लगाकर अवध के नवाब को गद्दी से हटा लिया और अवध पर अंग्रेजी राज्य का कब्जा हो गया, जिससे कि वहाँ के सिपाहियों में गहरा अविश्वास भर गया और अवध के जो सिपाही थे वह सारे बेरोजगार हो गए और उनके सामने रोजी रोटी की समस्या, क्योंकि उनका जब राज्य ही भंग हो गया तो वह सिपाही नहीं रहे और उनकी नौकरी खत्म हो गई और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। कौन? अवध के नवाब के सिपाहियों ने और के नुमाइंदे और जो दिल्ली बादशाह थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय थे उस समय दिल्ली में बादशाह, उनके नुमाइंदे के बाकी सिपाही क्या चाहते हैं योजना बनाने के लिए और सबको मिलकर एकजुट होने के लिए और उनकी भावनाओं को हवा देने के लिए भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, उनको गद्दी से उतार दिया, उनको रंगून भेज दिया। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। संयोग से इस समय सरकार ने हरेक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया, क्योंकि अब बात उनके धर्म पर चोट की थी और लोग सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन अपने धर्म पर चोट बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इस तरह से सारे रेजिमेंट में, सारे सिपाहियों में जो है उत्साह फैल गया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। तो इस तरह से जो सेना में दो ही तरह के लोग थे, एक मुसलमान थे दूसरे हिंदू थे, और दोनों ही सेना अंग्रेजों के खिलाफ इस बात पर विद्रोह कर उठे और गुस्सा गए और विद्रोह के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह से हमने इस वर्कशीट को जाना और यह जाना कि संस्मरण किस प्रकार से लिखी गई है। अब यहाँ कुल चार प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न एक है कि माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने को कहा? तो उसका उत्तर है कि माझा प्रवास के अनुसार विष्णु भट्ट और उसके चाचा को सिपाहियों ने बताया कि अंग्रेजों ने 84 नियमों की एक सूची बनाई है जिसमें हिंदू और मुसलमान के धर्म भ्रष्ट हो सकते हैं, इसलिए 3 दिन में इसके विरोध करने के लिए कोहराम मच जाएगा, अतः आप लोग वापस लौट जाएं। उसके बाद प्रश्न दो है कि सीताराम पांडे कौन थे? तो इसका उत्तर है कि और उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? तो सीताराम पांडे बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही थे। वह 1860 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्ति के बाद उनके अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न तीन है कि अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था? उत्तर, अवध पर अंग्रेजों द्वारा किए गए कब्जे से सिपाहियों के अंदर अविश्वास भर गया था और वह सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। फिर प्रश्न चार है कि इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, विस्तार से लिखिए। तो संस्मरण इतिहास का झलक होता है। जिस व्यक्ति द्वारा संस्मरण लिखा होता है उस व्यक्ति के नजरों के आगे ऐतिहासिक घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए उसमें वास्तविकता होती है, सच्चाई होती है, जिनसे हमें इतिहास के बारे में सटीक पता चलता है। तो बच्चों यह थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।